अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम एक व्लॉग बना रहे हैं हमारे जो पुराने वक्त के घर है उन वहाँ पर। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और जाके आपको दिखाएंगे कि उसका क्या निज़ाम था। सो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग को। तो ये बहुत पुराना एक घर का सिस्टम है, अभी ये नायाब हो चुका है और यहाँ पर अभी गायें भेड़ बकरी बंद कर दिया जाता है। और कुछ इस तरह से किचन होती थी और ये स्टोर है, मतलब साथ में ही होता था स्टोर, उधर अंदर एक दरवाज़ा है वहाँ पे। और उस वक़्त लाइट का सिस्टम नहीं होता था तो इस तरह से एक सुराग निकाल के थोड़ा सा रोशनी मुहैया करता था। अभी यहाँ पर गायें भेड़ बकरी बंद किया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना घर है और इनका जो छत है वो लकड़ी से बनाया जाता था और बहुत छोटा घर बनाया जाता था। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो हाथ है ऊपर तक पहुंच रही है और मेरा तकरीबन सर भी ऊपर तक इसको लग रही है। और इतना छोटा बनाया जाता था और सर्दियों से बचने के लिए कुछ इस तरह से बनाए जाते थे। और अभी ये दीवार बहुत कच्ची हो गई है, तो उस वक़्त कुछ ये सिस्टम था कि यहाँ पर हम रहते थे और यहाँ पर जो हमारे गायें वगैरह है उनको भी यहाँ पर बंद किया जाता था। उनका जो घर घर का सिस्टम है वो यहाँ पर होता था और इस तरह से बनाया जाता था। गायें और भेड़ बकरी वगैरह इंसान के साथ रहते थे। तो अभी हम छत के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी एक जो घर बनाया हुआ है तो कुछ इस तरह से यहाँ का छत होता है और ऊपर जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लकड़ी है और ये गोबर वगैरह यहाँ पर रखते हैं ताकि ये सूख सके। तो ये एक स्टोर होती है यहाँ पर, जो गायें भेड़ बकरियों को लगाने के लिए घास स्टोर किया जाता है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता था। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है और ये भूसा है, भूसा यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। और उसका जो छत का हिस्सा होता है कुछ इस तरह से होता था। अभी नया दौर आ गया है तो उसका कुछ अलग सिस्टम है और उस वक़्त का लॉक सिस्टम कुछ इस तरह से थे, मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया और ये देख ली तो इस तरह से होता है। अच्छा जो ये थी गोपी ना पोई ना दूसरे इतना दुख पे मैन फिर जो अच्छा अच्छा सही जो ये इन बाजी का पुराना घर है और यहाँ पर इनके दो तीन चार बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे। अभी चूंकि ये मॉडर्न दौर आई है उसकी वजह से यहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके अपना नया घर बना के वहाँ चला गया है, लेकिन अभी भी ये ज़ेर इस्तेमाल है क्योंकि यहाँ पर गायें भेड़ बकरी यहाँ पर रखते हैं और उनके जो खाने की चीज़ें होती है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और
जो लकड़ी है, मतलब जो हमें नीड्स होती है, उन सबको यहाँ पर स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।